हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का जिक्र कर रहे हैं। पहले इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जिसमें आपका हमारा चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है। DLED सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का, और आपका इसमें चल रहा है प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये प्रोनाउन दो, मतलब प्रोनाउन के टाइप्स बताए थे आपको, और दो प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। एक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में किया था जिसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, और दूसरा हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात किया था जिसको हम निजवाचक कहते हैं। तो हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउन में कि जो आपके, सबसे पहले तो हमने केस बताए थे, तो आपके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस बताए थे। तो इसमें जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, हमने बताया था इसमें कि आपके नॉमिनेटिव केस आते हैं, या इसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, पहले मैं बता दे रही हूँ, कल जो पढ़ाई थी उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो आपके नॉमिनेटिव केस में आपके होता है ही आ जाता है, सी आ जाता है, दे होता है, यू होता है, ठीक है, इट होता है। ये सब आपके क्या कहे जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। सेंटेंस में आपको कहीं भी दिखे और पूछ दे पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, तो इनमें से कोई भी आए आपका, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। और हमने इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है, पूरा वो डायग्राम बना के वहाँ से देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपका मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, आपका हीज हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव केस है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पर्सनल में यूज़ करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस जो भी आते हैं। इसमें देख लीजिएगा, मैंने पूरा चार्ट बनाया है नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों कहे जाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था आपका दूसरा वाला जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इसके बारे में जान जाइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने क्या बताया था, ब्रीफ में जान जाइए, बाकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ मैंने डिटेल में किया है। इसको निजवाचक कहते हैं, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैंने बताया था कि इसमें सेल्फ आता है या सेल्व्स आता है, ठीक है। सेल्व्स ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ये आपका होता है प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसमें सेल्फ जैसे आ जाता है आपका हर सेल्फ, ठीक है, जिसमें भी सेल्फ लगा हो, हिम सेल्फ, ठीक है। तो ये सब सेल्फ वाले जितने भी होते हैं आपके आ जाएंगे, बहुत सारे होते हैं, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ। तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव में यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके दो प्रोनाउन जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब आज से स्टार्ट है आपका थर्ड प्रोनाउन, जिसका जो है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो आइए इनके बारे में जानते हैं क्या है। एन इम्फैटिक प्रोनाउन इम्फेसाइज इट्स एंटीसीडेंट नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसी का मतलब आपका हिंदी है, ठीक है, ट्रांसलेशन करके यहाँ लिखा गया है, लेकिन आप इंग्लिश में लिखिएगा, डेफिनेशन आपके इंग्लिश में लिखने होंगे। तो मेन इसका ये है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, या आपका ऑब्जेक्ट हो गया, या आपका कर्ता हो गया जिसको नाउन कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, दृढ़ता के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और इसमें जैसे कि इसमें भी आता है आपका माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, बस अंतर ये होता है, जैसे कि हमने बताया था रिफ्लेक्सी में भी सेल्फ का कंसेप्ट आता है और सेल्फ्स का, ठीक है। सेल्फ्स ये आपका प्लूरल के लिए इंडिकेट करता है और ये आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो इसमें भी सेल्फ आता है, जैसे हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, लेकिन अंतर ये होता है कि जो आपका इम्फैटिक में आता है वो आपका आता है, जैसे कि वो कर्ता के बाद ही तुरंत आ जाता है, हर सेल्फ या माई सेल्फ या
योर सेल्फ, ठीक है। और जो मैंने उसमें बताया था रिफ्लेक्सिव में, उसमें भी आता है सेल्फ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो आपका वहाँ पे कर्ता के बाद ना आके आपके वर्ब के बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है इन दोनों में, आपके रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिव में। तो हम इम्फेटिव का डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी आपका हर सेल्फ या हिम सेल्फ आएगा वो आपका कब आएगा, कर्ता के बाद आएगा। देखिए एग्जाम्पल ये है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने यह काम क्या किया, स्वयं किया। तो देखिए आई के बाद आपका माई सेल्फ आया है, ठीक है। ये दूसरे वाले में देखिए आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ भी इसके पहले वर्क है, वर्क भी आपका कर्ता ही माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आया है। फिर सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने क्या किया, खुद खाना बनाया। तो यहाँ भी सी के बाद आया है हर सेल्फ। और ये फोर्थ है आपका एग्जाम्पल, फादर रोट दिस लेटर हिमसेल्फ, फादर ने पत्र खुद लिखा, ठीक है। तो ये भी हिमसेल्फ आपके लेटर के बाद आया है। तो अंतर यही होता है, देखिए यहाँ मैंने नोट में भी लिख दिया है कि यह नाउन के बाद आता है, क्या हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, और माई सेल्फ, मतलब सेल्फ कहीं भी लिख जाए, लग जाए, दिख जाए, आप बता दीजिएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन है वो, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, वो मतलब कि यहाँ ना आके वो कर उसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। जैसे रोट है तो रोट के बाद आता है, रोट क्या है, इसमें वर्ब है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, रोट के बाद आता, ठीक है। तो यही अंतर होता है रिफ्लेक्सिव में और इम्फैटिक में। रिफ्लेक्सिव में आपके वर्ब के बाद आता है हिम सेल्फ हर सेल्फ, और जो इम्फैटिक होता है ये आपका कर्ता के बाद आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, तो ऐसा प्रोनाउन जिससे लगे कि मतलब कन्फर्म ही नहीं हो कि वो किसको कह रहा है, ठीक है। कोई मतलब निश्चित वस्तु या व्यक्ति व्यक्ति को नहीं बताता है ये, इससे ऐसा लगता है कि मतलब क्लियर नहीं हो पाता है किसको कह रहा है इनडिफिनिट प्रोनाउन में। तो आइए जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एन इनडिफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एंड अमाउंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मतलब किसी स्पेशल को नहीं बताता है, ये क्लियर नहीं कर पाता है कि किसको कह रहा है। इसका हिंदी देख लीजिए, अनिश्चितकालीन सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष या मात्रा विशेष का बोध नहीं कराता, ठीक है। विशेष को नहीं बताता है, कन्फर्म ही नहीं कर पाता है किसको कह रहा है। इसमें आता है आपका आल आएगा, नो वन आएगा, नो बॉडी आएगा, सम बॉडी आएगा, नन आएगा, समवन आएगा, समथिंग आएगा, ईच आएगा, एवरी आता है, फ्यू आता है, सम आता है। मान ली सम कह दे रहा है तो पता चल रहा है किसको कह रहा है, कोई भी हो सकता है। आल 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 मतलब सभी, तो आल मतलब सब, किसको कह रहा है नहीं पता चल रहा है, उसमें सब लोग आ गए, किसी स्पेशल को नहीं बता रहा है, ठीक है। जैसे कि नन, नो बॉडी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसको क्लियर नहीं कर पाता है। तो आई एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं आपका क्या है, कह रहा है एग्जाम्पल में आपका, आल वेयर प्रेजेंट देयर, सभी वहाँ उपस्थित थे। तो आल क्या कह रहा है, ये इनडिफिनिट है, ये किसी को क्लियर नहीं कह पा रहा है कौन था, ठीक है। तो ये आपका आल हो गया। फिर नन हेल्प्ड मी, कोई मेरी मदद नहीं किया, ठीक है। तो नन क्या हो जाएगा आपका, इनडिफिनिट हो जाएगा। समवन स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो कौन चुराया पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनडिफिनिट होता है। और ये याद रखिएगा, यहाँ मैंने ये लिखा है, इसको याद रखिएगा, जहाँ जिस सेंटेंस में ये सब शब्द दिख जाए वो क्या कहे जाते हैं, आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक, ठीक है। इसका मतलब होता है ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी की तरफ संकेत करते हैं या इशारा करते हैं। तो आइए जानते हैं इनका डेफिनेशन क्या है। सच प्रोनाउन दैट इंडिकेट टू अ प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करता है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है, चार चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपका दिस आता है, दैट आता है, दिस आता है, दोज आता है, ठीक है। दिस दैट दिस दोज, ठीक है। दिस, ठीक है, यह, दैट, वह, दोज, ठीक
वे, दीज ये, ठीक है, दोज वे, ठीक है, ये होते हैं, इसका मीनिंग होता है। तो यही चार आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो एग्जांपल के थ्रू समझिए क्या है। कह रहा दिस इज माय हाउस, ठीक है, यह क्या है, मेरा घर है। तो देखिए दिस ये इंडिकेट कर रहा है, आप हाथ दिखा सकते हो वहाँ पे कि यह मेरा घर है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, संकेतवाचक। दूसरा कह रहा है दैट इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है, ठीक है, तो ये पेन तुम्हारा है, तो इसको भी हम इंडिकेट करते हैं। और दीज आर डॉल्स, ये सभी क्या हैं, डॉल्स हैं। दोज आर गर्ल, वे सभी क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो ये हम क्या करते हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है, संकेत के माध्यम से दिखा सकते हैं वो चीज़, चीज़ जो भी है हमारे आँखों से दिख रही है, ठीक है, हमारे सामने है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। और इसमें याद रखिएगा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो के बाद ना नाउन नहीं आता, मतलब इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा, अगर नाउन आ जाएगा तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिस आया है, दिस के बाद क्या नाउन ना दिख रहा है आपको, कहीं भी नाउन नहीं है, सब ये वर्ब हैं आपके, ठीक है। देखिए आर आर इज, ये सब इसके बाद क्या आया, नाउन आया है, नाउन नहीं आया, सॉरी, ये सब क्या वर्ब आया है, मतलब क्या है, मतलब ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आपके नाउन नहीं आते हैं, अगर नाउन आ जाएंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब ये अब फोर्थ नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं प्रत्येक वाचक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब बांटने के सेंस में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को बांट देने के, बांट देना कई भागों में, मतलब कई लोगों में। तो ये क्या जानते हैं, दिस प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग वन वन टाइम, ठीक है, ये प्रोनाउन क्या होते हैं, फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर सच एज फॉलोड बाई द वर्ब इन सिंगुलर। ये मतलब कहने मतलब वो कह रहा है ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। इसका हिंदी जान जाइए, जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है, प्रत्येक को ये व्यक्त करते हैं। जैसे ईच, ईच मतलब क्या होता है, सभी, आइदर, आइदर मतलब कोई नहीं, इवरी मतलब सभी, इवरी वन, नाइदर, ठीक है, नॉन, नन, ये सब क्या होते हैं, इसमें आते हैं, इसका कुछ रूल है, मतलब कि कब हम आइदर का कब नाइदर का यूज़ करते हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे कि अब याद रखिएगा ये कहीं भी ये चार इसमें से कोई भी आ जाए तो आप जान जाइएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस में दिख जाए आपका ईच दिख जाए, आइदर दिख जाए, इवरी दिख जाए, एवरीवन, नाइदर, नॉन, ठीक है, ये सब कहे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए आइदर का यूज़ कब करते हैं, तो दो या दो के लिए, दो के लिए हम करते हैं आइदर का या नाइदर का यूज़, ठीक है। जैसे कि टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगोज, ठीक है, क्या करो, इस दो में से कोई मैंगो ले लो, टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगो, ठीक है। और दूसरा कह रहा है नाइदर ऑफ दीज टू सिस्टर कम हियर, इन दोनों में से कोई सिस्टर यहाँ नहीं आई, ठीक है, तो ये दो के लिए यूज कर रहा है, यहाँ भी दो आम के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आइदर और नाइदर का यूज़ हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, अगर वही दो से अधिक चीज़ों के लिए करना हो तो हम ईच का यूज़ किया जा करते हैं। देखिए तो दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं ईच ऑफ यू कम कैन गो होम, आप में से प्रत्येक क्या कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। ईच ऑफ देम इज टू बी ब्लेम, इनमें से प्रत्येक को दोष देना, मतलब यहाँ प्रत्येक को बता रहा है, मतलब कई लोगों को बता रहा है, दो से अधिक लोगों को बता रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी दो दो से अधिक लोगों का यूज़ करना होगा तो हम ईच का यूज़ करते हैं, और दो के लिए हम आइदर हो या नाइदर का यूज़ करते हैं। ये तो यूज़ है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि प्रोनाउन बताइए कौन सा है, आइदर नाइदर दे देगा आपको, ईच दे देगा, तो आप बताइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सी है आपका, जैसे हम बताएं एनी आता है, नॉन आता है, नो वन आता है, तो इसका प्रयोग भी हम करते हैं किसके लिए, दो से अधिक के लिए। जैसे ईच का भी यूज़ हम करते हैं दो से अधिक के लिए, वैसे ही एनी, नॉन, नो वन का भी यूज़ करते हैं हम एक से अधिक के लिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका नो वन ऑफ देम कैन डू इट, ठीक है,
हम में से कोई नहीं कर सकता इसको। वनली ऑफ दीज फोर गर्ल में डांस, इनमें से केवल चार लड़कियां डांस कर सकती हैं। तो यहाँ चार की बात कर रहा है, दो से अधिक है, इसीलिए यहाँ पे एनी ऑफ का, एनी का यूज़ हुआ है, ठीक है। नॉन का यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। नॉन मतलब कोई भी। तो ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, और इनके यूज़ थे कौन कहाँ करते हैं। तो आज हमने चार प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया, और कल दो किया था तो छः हुए, और आपके पांच बचे हैं, टोटल 11 प्रोनाउन होते हैं। तो देख लीजिएगा ये सब, और जो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, जो पहले के वीडियो पढ़े हुए हैं उसको जाकर देख लीजिए, आपके वहाँ से दो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने वहाँ केस कराए हैं, पर्सन कराए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ पे मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस सब बताया है। वो डायग्राम आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप आगे का प्रोनाउन कर पाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।